हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चलने आ सुखमणी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जो कि जीरा विखे स्थित है। सुखमणी हॉस्पिटल पिछले लंबे समय तो जीरे विखे अपनी सेवावां दे रहा है अते हुण इह हॉस्पिटल एक सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है जिथे कि अज दे टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। बीते दिन ही सुखमणी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन हुई। हॉस्पिटल विखे मॉडर्न ICU, प्राइवेट रूम्स, गायनी वार्ड, लैबोरेटरीज, एमरजेंसी वार्ड, 24 घंटे एमरजेंसी और 24 घंटे एंबूलेंस की फैसिलिटी मौजूद है। इतों की सब तो विशेष गल इतने इलाज बहुत ही वधिया तरीके का वाजिब रेटा से किया जाता है। साई टीम ने इतने डॉक्टर साहब नाल गलबात की जिन्होंने सानू सुखमणी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बारे विस्तार नाल जानकारी दी। सो जेकर तुसीं भी अपना वधिया तरीके का इलाज घट रेटा से करवाना चाहते हो तो सुखमणी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जीरा जरूर पहुँचो। आओ नज़र मारते हाँ इस दियां झलकियां ते। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सुखमणी हॉस्पिटल जीरा में। ये जो क्रिएशन है संजीव नारंग जी की, हम देख सकते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी की तरफ उन्होंने जीरे को लेकर गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत ही बड़ी ICU और मॉडर्न OT वगैरह जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया उन्होंने जीरे के इलाके में। और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ जो MD मेडिसिन है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि सुखमणी हॉस्पिटल जिसमें आप लोग अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और 24 आवर यहाँ पर जो है वेंटिलेटर है और 24 आवर यहाँ ICU की सुविधा है, एमरजेंसी की है, एक ट्रोमा सेंटर के तौर पर भी ये काम करेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी सत श्री अकाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारा पुराना सुखमणी हॉस्पिटल था तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। हमारे पास पेशेंट यहाँ से कहीं जिस पेशेंट को और सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत थी तो हमें इसको मोगा, अमृतसर या लुधियाना रेफ़र करना पड़ता था। लेकिन अब ये फैसिलिटी यहाँ पे जीरे में हमारे इस हॉस्पिटल सुखमणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, जो हमने नया हॉस्पिटल खोला फिरोजपुर रोड जीरे में, तो इसमें यह सारी सुविधा हमने फैसिलिटी अवेलेबल की। अब 24/7 यहाँ पर एमरजेंसी चलेगी, यहाँ पर हमारा ट्रामा सेंटर है, यहाँ पर नए जो है नए एडवांसड फैसिलिटीज़ हमारे ऑपरेशन थिएटर जो है या बाकी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन एंड यूरोलॉजिस्ट, सब फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल किए यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे जीरे लोकल जीरे या जीरे से जो विसिनिटी में जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए सारी फैसिलिटी मिल जाए, तो ताकि उनको जो दिक्कतें थी पहले वो उनको दूर हो जाए। सर आप एक MD मेडिसिन है, क्या कहना चाहेंगे कि अभी जैसे अभी जो महीने चल रहे हैं, सावन का महीना निकल कर गया है, भादों का महीना है, इन दिनों में हम बात करें डेंगू की, हम बात करें वायरल फीवर्स की तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सारे पेशेंट आते हैं आजकल एक्यूट फेब्राइल इलनेस यानी बुखार करके आते हैं बहुत सारे पेशेंट। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि अब बरसात का महीना है, बारिशें पड़ती हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे सब्ज़ियाँ होती है जो हम खाते हैं तो हम उनमें इन्फेक्शन उनकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मोस्टली हमारे पास आजकल टाइफाइड के पेशेंट आते हैं या जो मॉस्किटोज अब उनकी जो है उनकी लेवल बढ़ने लगी है, मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हो गए तो उनकी वजह से डेंगू का इन्फेक्शन होने के अब कारण बढ़ गया है। तो अब थोड़ा सा इनको सब लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए, जैसे कि जो भी शाम का टाइम होगा तो फिर बाहर ना निकले, अगर निकले तो फिर प्रॉपर जहाँ पे मॉस्किटोज कम हो तो वहाँ बैठ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी जो आजकल बहुत सारे जो डेंगू के पेशेंट या टाइफाइड के पेशेंट, उनको सफाई के साथ सब कुछ खाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये टाइफाइड जो सब्ज़ी के नाल होता है या जो 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 कुछ हम खाते हैं बाहर से, जो हम बाहर से ले आते हैं, तो उनकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, या डेंगू जो हो डेंगू मॉस्किटो इन्फेक्शन की वजह से होता है या डेंगू, तो उनकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा लोगों को ख्याल रखना चाहिए, हमारे पास ये सुविधा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, तो इन पेशेंट का हमारे पास अच्छी तरह से हम करते हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में। तो सर शुगर जिसको कि लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं और बहुत लेट स्टेजेस पर पता चलता है, उनको टेस्ट कराने का नहीं पता चलता, उसके लिए आप लोग एक बहुत ही बढ़िया सेवाएँ यहाँ दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
शुगर शुगर एक सिंपल छोटी सी बीमारी नहीं है, शुगर बहुत बड़ी बीमारी है। हम बहुत सारे यहाँ पे लोग इसको इजी लेते हैं कि हाँ चलो शुगर है तो शुगर शुगर ज़्यादा हो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन शुगर की कारण शुगर बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे पास फैसिलिटी अच्छी है तो हम एक ही जगह बैठते हैं सुबह से शाम तक, ना से ना कुछ, उसकी वजह से मोटापा होना, उसकी वजह से फिर शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये शुगर एक सिंपल शुगर बढ़ना नहीं है, शुगर की वजह से एक शुगर की बीमारी की वजह से शुगर भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांस, जैसे इसकेमिक स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आँखों में लाइट चलने जाने के चांस बहुत ज़्यादा होती है, गुर्दे खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूरोपैथी जो नर्वस कमज़ोर होते हैं, नाड़े कमज़ोर होते हैं, वो भी दिक्कत आती है शुगर के नाम। तो ये सारी चीज़ें ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को शुगर हो तो इसको एक डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, डाइट थोड़ा सा शुगर वाला चीज़ कम खाना है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसको क्लियर आपको उसको बताए कि डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे करना है, या दूसरी या दवाइयों को स्टार्ट करना, ये डिपेंड करता है कि शुगर की लेवल कितनी है, डाइट से ठीक हो जाएगा, हेल्थ ये जो लाइफस्टाइल चेंज करना है डाइट से ठीक हो जाएगा या दवाई भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है फिर डॉक्टर पे, ये शुगर कितनी है या पेशेंट को कितना जो दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जैसे कि मोटापा आना, कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ जाना, वो सारा वो लेके फिर डॉक्टर साहब उस हिसाब से दवाई पेशेंट को रखते हैं। हमारे पास हमारे फॉलोअप में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक, उनका शुगर लेवल ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, तो दे आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे प्री डायबिटिक पेशेंट्स को, आप लोग बिना दवाई के ही एक लाइफस्टाइल के साथ और डाइट अपने डाइट चार्ट के साथ ही उसको हमेशा मेडिसिन खाने से बचा लेते? हाँ हाँ, बहुत सारे पेशेंट है जो प्री डायबिटीज़ है या अर्ली डायबिटीज़ है, हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बताते हैं कि हमें आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कैसे करनी है, आपको अपना जो डाइट है वो कैसे चेंज करना है, जो डाइट हैबिट्स है वो कैसे चेंज करें, उसी हिसाब से फिर उनको दवाई के बगैर ही उनको शुगर लेवल मॉनिटर करते रहते हैं आफ्टर वन मंथ या आफ्टर थ्री फोर वीकस आते हैं हमारे पास, उनको रेगुलरली हम शुगर चेक करते हैं, देखते हैं उनकी रेंज कैसी है, प्री डायबिटीज़ में है, डायबिटीज़ में चला गया या वापस नॉर्मल में आया। बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छे कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, इनका शुगर नॉर्मल रहता है, उन दवाई के बगैर उनका शुगर ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि 3 महीने वाली जो शुगर है उसको लेवल कितना होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मली जो इसको कहते हैं HbA1c जो 3 महीने वाला शुगर होता है वो नॉर्मली 5.6, अगर 6 से भी कम 5.6 का रेंज है, 5.6 से कम होना चाहिए, अगर 6 से भी कम है तो अच्छी बात है, तो अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है, सो ही शुड कंसल्ट डॉक्टर, तो उसी हिसाब से फिर उसको जो वेदर डाइटिंग मॉडिफिकेशन, वेदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेदर ही और शी नीड्स मेडिकेशन, तो उसी हिसाब से उसको बताएगा डॉक्टर साहब फिर क्या करना है। हमारे पास ऐसे हमारे पास है फैसिलिटी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको अच्छी तरह से देखभाल करते हैं चीज़ में। थैंक यू डॉक्टर। ओके थैंक यू सर। डॉक्टर साहब किवें क्रिएशन सी तुहाडी, तुसीं पहला सुखमनी हॉस्पिटल खोलिया, उहदे च बड़ी मेहनत की और हुण इत्थे सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जीरे नूं दित्ता, जिहदे लई लोकां नूं पहला मोगा, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर जाना पैंदा सीगा। किवें तुहाडे माइंड 'च आया कि मैं सारी सुपर स्पैशलिटियां जिहड़ियां इक्को थां दे उत्ते लै के आवां? सब तो पहला तो मैं पंजाब प्लस दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने साढ़े कोल जीरे पहुँचे ने, और बाकी रही गल होस्पिटल के रिगार्डिंग, अज तो कोई 14 साल पहला मैं जीरे शिफ्ट होया सीगा, मेडिकल फैसिलिटी के नाम तो नहीं सीगा इन्ना कुछ इत्थे जीरे, गुरु कह सकते हैं या आपां मतलब आपां तो रब रूपी समझदे उन्होंने, सरदार जमेर सिंह कालड़ा मोगा मेडिसिटी होस्पिटल वाले जिन्हां दा इत्थे एक सेंटर चल रहा सी, उन्होंने मेरे मोढ़े ते हथ रख के उन्होंने शुरू करवाया, तो अज भी जो भी उन्होंने बदौलतियां सी तां उन्होंने ये सेंटर शुरू करवाने तो बाद अज सुखमनी होस्पिटल तो इनू सुखमनी सुपर स्पैशलिटी च कन्वर्ट किया है। तो जिवें जिवें जीरे का समझिया, जीरे नू जीरे दे डिमांड समझी, जीरे नू देखिया कि उत्थे आ चीज़ां दी लोड़ है, जदों तुसीं पहलां भी मैनू अपना होस्पिटल कवर किया है तो उत्थे कमियां सीगियां इंफ्रास्ट्रक्चर दियां, टीम वालों नहीं कमी सीगी, तो टीम मेरे को उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा नाल बहुत ही वधिया है, जिन्हां ने मेरे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के मेरे नाल चले ने, इस जिन्ना भी ये सफ़र है मेरा इत्थों वाला सारा मेरे नाल बिल्कुल, कोई जिदा कहिंदे आ ना कि सारे नेर वधिया टाइम सारा कुछ मेरे नाल ही हंडाया है, तो वो टीम के बदौलत ही अज सुखमनी होस्पिटल तो सुखमनी सुपर स्पैशलिटी बनया है, जिंदे च उत्थे जिहड़ियां कमियां सी इंफ्रास्ट्रक्चर दियां वो इत्थे सारियां असीं क्लीयर पूरियां कर चुके हैं, जिंदे च प्राइवेट रूम की फैसिलिटी उत्थे साडे कोल नहीं सी वो इत्थे देती है, डायलिसिस दा नहीं सीगा उत्थे वो डायलिसिस सेंटर बनाता है इत्थे नाल विच, असीं कैथ लैब दी नहीं सीगी उत्थे कैथ लैब दी ऑप्शन हैगी साडे कोल, असीं अगे आने वाले टाइम दे विच कैथ लैब भी जल्दी शुरू करांगे, तो आने वाले समय दे विच असीं कोशिश करांगे कि
घट तो घट जिहड़ा जीरे वाला पेशेंट है जां आसे पासे इलाके दा पेशेंट है जिहड़ा अगे सफ़र करता है लुधियाने जाके करता है जां जलंधर जां अमृतसर जाके करता है वो जीरे ही इत्थे असीं ठीक करिए असी गल। लेकिन उहदे बावजूद भी तुसीं जिहड़े हैगे आ इह सेवावां बहुत ज़्यादा दित्तियां लोगों नूं और हुण जिहड़ा इक सुपर स्पैशलिटी बन गया इह सोचिए असीं भी जदों कि किसी नूं मरीज़ नूं ऑक्सीजन की लोड़ है जां किसी मरीज़ नूं वेंटीलेटर की लोड़ है जां ICU की लोड़ है जां इक ट्रोमा सेंटर के तौर के उत्ते ये सेवा करूँगा। बिल्कुल जी, जे अगे भी असी साढ़े कोल फैसिलिटी के नाम तो कमी नहीं हैगी सी, जिस जगह जी पहले सी सुखमनी होस्पिटल सीगा उत्थे थोड़ा एरिया घट सीगा जिंदे करके सानू थोड़ा वह कंजस्टड होने करके असी शिफ्ट होए हैं, बट उत्थे फैसिलिटी के नाम तो उत्थे भी कुछ कमी नहीं सी। हर तरह की वेंटीलेटर साढ़े कोल उत्थे ही बहुत सीगे, चार वेंटीलेटर पहले ही उत्थे हैगे सीगे, हुण इत्थे तां चलो होर अटैच जोड़ते जिदा कोविड के टाइम के एक तुम्हें पता है कि हाहाकार सी वेंटीलेटर दी कि वेंटीलेटर नहीं है जी, साढ़े को वेंटीलेटर तो है हाई फ्लो मशीन तक असी उदों परचेज कीतियां ता कि मतलब कि जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की लगता सानू कि आ चीज़ की जीरे वास्ते जरूरत हैगी है, क्योंकि मैं पहले ही तुहानू दस्सिया कि मैं 14 साल पहला जीरे शिफ्ट होया सीगा ते जीरे का जीरे शहर के तां पैर धोतों भी पी जावां मैं, मेरे वो भी घट है मेरे लिए, उन्होंने वास्ते मैं हर टाइम हाजिर हाँ। डॉक्टर साहब, कोविड के औखे समय के तुसीं बहुत सारे पेशेंट्स नूं होम घर दे विच ही जिहड़े हैगे आ इलाज कर करके सेवा की और अपने होस्पिटल नूं भी एक सेवा का केंद्र बना के और बहुत वड्डियां वड्डियां जिहड़े लोग जदों कहिंदे सी वी नहीं किसी पेशेंट नूं नहीं देखना उदों भी तुसीं लोगों की सेवा च हाजिर सी 24 आवर तुसीं अपने होस्पिटल नूं उस टाइम ते भी सेवावां दित्तियां, की कहना चाहोगे? कोई भी कम जदों आपां साफ दिल नाल जां सेवा भावना ना करते हैं तो उन्होंने जोड़ा फल लगता आप अखी ही देख चुके हो, जोड़ा ये फल ही लग्या कि अज वाहगुरु ने सानू सुखमनी होस्पिटल तो सुखमनी सुपर स्पैशलिटी बढ़ाता, असी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि भी इस लैवल तक पहुँचा देंगे, आ घूमन वाली चे कुर्सी तो बहूगा रब, सानू वो परमात्मा ने बाया भी ता ही है कि जे असी साफ दिल न चले हाँ। जे उदों भी जो कोविड की तुम गल करो जी पहली लहर के आल ओवर सारे ने ही OPD बंद करती सगिया, तो मेरी टीम तो एको सगा कि यह टाइम जोड़ा है ये टाइम हैगा अपनी मैडिकल फैसिलिटी नूं प्रूव करन दा कि जे अज असी भज गए तो असी आपदे प्रोफेशन सामने अखां नहीं चक पावांगे। असी उदों भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके नाल सारा कुछ चलाया, OPD भी रखियां, साडा टीचा हुंदा सी भी जे एक्सीडेंट पेशेंट आया तो पहले उनके कोविड टैसटा के चक्कर च पैन दी बजाय उनका इलाज करते सीगे, जबकि आम तौर पर ही काफ़ी जिहड़े वड्डे हॉस्पिटल सी जां कुछ भी सी तां उन्होंने शुरू करता सी कि जिन्नी देर कोविड की रिपोर्ट नहीं आती उन्नी देर पेशेंट नहीं अंदर लेना। साढ़े उस टाइम के नॉर्मल डिलीवरी देनियाँ कुछ ज़्यादा हुई एक्सीडेंट केस असी उदा, क्योंकि साड़ी टीम जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा वधिया, क्योंकि ये सुखमनी होस्पिटल को ना तो संजीव दा है, ये सुखमनी होस्पिटल सुखमनी परिवार दा है, सुखमनी परिवार वो है जिहड़ा मेरे नाल मेरे समय दे विच मेरे नाल खड़िया, चाहे वह इत्थे स्वीपर तो लैके तो MD मेडिसन सर्जन हर डॉक्टर्स तक थल्यों लैके पूरी टीम तक स्टाफ लैके हर बंदे ने मेरा साथ दिता, ये सारा का सारा जिहड़ा सेहरा उन्हां नूं जांदा। असी कदी ना भज्जे सीगे, असी सेवा च हर टाइम हाजिर हाँ तो हाजिर रहांगे। डॉक्टर साहब, इतने हुण नॉर्मल डिलीवरीज तो पहले भी उत्थे हो रही थी लेकिन इतने हुण नॉर्मल डिलीवरीज और इतने सजेरियन इतने लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज मतलब हर तरह की जी है फैसिलिटी जी है सर्जरीज की मिलेगी लोगों को? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक फैसिलिटी भी मिलेगी और जड़ा फैसिलिटी के नाल नाल जो उत्थे सुखमनी होस्पिटल सीगा उनके सर्विस असी जरूर वाधा करांगे, उनके असी फैसिलिटीज़ होर वधा देंगे, बट साडा जिहड़ा OPD फीस होया जां चार्जिस जिहड़े ने वह अगे तो घटाता चाहे दईए पर वधावांगे नहीं, ये भी प्रोमिस है मेरा जीरे नाल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। हैलो, वेलकम टू सुखमनी हॉस्पिटल जीरा, दिस इज़ अवर ICU, हियर 7 प्राइवेट रूम्स अटैच्ड वॉशरूम, दिस इज़ अवर गायनी वार्ड, दिस इज़ अवर लेबोरेटरी एंड दीज आर द मशीन्स, ये साडा एमरजेंसी वार्ड है जी। सुखमनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम अपना नया हॉस्पिटल जो हमने जीरा में ही अब तैनात किया है उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं।
और हम सब लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी हमारी जो मजीद सुविधाएं आप वहाँ पे नहीं ले सकते थे, डायलिसिस सेंटर नहीं था हमारा वहाँ पे, कैथ लैब नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे मरीज़ों को प्रॉब्लम हो जाती थी कि यहाँ पे कोई डायलिसिस के लिए आता था तो उनको मोगा या अदर सिटीज़ में जाना पड़ता था। तो अभी हमारे जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे MD सर संजीव सर, तो उन्होंने ये ज़ीरा के लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ दी है कि यहाँ पे एक जगह पे ही मतलब पेशेंट की परेशानियाँ देख के, मजबूरियाँ देख के, कि हमारे हॉस्पिटल में ही एक ऐसा डायलिसिस सेंटर खोला है जिसकी वजह से कि ज़ीरा के लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए कोई परेशानी ना हो। और बाकी जैसे आप वहाँ उस हॉस्पिटल में आते थे, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। जो नॉर्मल हमारे वहाँ पे OPD चार्जेस थे हमारे डॉक्टर्स के लिए, वही सभी सेम ही प्राइजेस में यहाँ पे भी हम सारी सुविधाएं मरीज़ों के लिए उपलब्ध कर रहे हैं। और ये हमारे साथ में बैठे हमारे जनरल मैनेजर सर। जी हम साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपका नाखून मांस वाला रिश्ता है संजीव जी के साथ, और आपने जब जब ये ऊपर जा रहे हैं सुखनी सुपर स्पेशलिटी में गए, आप लोगों में एक आपका रिश्ता जो बना हुआ है, क्या कहना है? सारे नु सत श्री अकाल जी, मैं सनी सुखनी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, संजीव नारंग जी ना 3 साल हो गए जुड़े नु। मैं इत्थे आके मैनू इदां फील हुंदा कि मतलब एक मालक ते वर्कर दा नहीं, एक फैमिली वर्कर दा हैगा। नाले जो संजीव नारंग जी ने इत्थे हुण ये हॉस्पिटल नू सुविधा दे रहे हैं या इस हॉस्पिटल नू चलाने जो मेहनत कर रहे हैं, मैनू नहीं लगता नेड़े तेड़े कितें ये चीज़ां हो गईयां। सुखमनी नू चलाने लई संजीव नारंग जी ने जो मेहनत कीतियां, रात दिन एक किया, वो सानू पता है इस बारे। तो जो जीरे नू इन्नी वड्डी उपलब्धि दित्ती गई है, वो मैं कहूँगा कि बहुत वड्डी गल है, बहुत अच्छी गल है, तो अगे भी ये चीज़ों ये सुविधा असी तोड़ सकी अगे। थैंक यू। डॉक्टर सर, की कहना चाहोगे कि जिस तरीके दे नाल अज सैकड़ों की गिनती दे लोग जिहड़े हैगे आ पहुंचे ने, और हरेक बंदे दे मूँह दे उत्ते यही गल आ कि डॉक्टर इन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल पहलां सौं दित्तियां, और यही कारण आ कि अज सुखमनी तो सुखमनी सुपर स्पैशलिटी बन गया। की कहना चाहोगे? पहले तो जी मैं धन्यवाद करदा हाँ जिहड़े भी मेरे इस खुशी दे मौके दे विच मेरे नाल मेरे को नाल आ के खड़े है, जिन्हां दे विच कुछ धार्मिक शख्सियतां या राजनीतिक शख्सियतां जिन्हां ने मेरे इस खुशी दे पलां दे विच मेरे नाल मेरा साथ दिता है, और अगे भी मेरे नाल मेरे मिसिज बैठे ने सोनिया नारंग, जिन्हां ने जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है इस सुखमनी नूं सुखमनी सुपर स्पैशलिटी बनाउण दे विच, मेरे कंधे नाल कंधा जोड़ के चले ने। और लास्ट दे विच मैं सब दा धन्नवाद करदा हाँ कि जिले इत्थे अज इनोग्रेशन दे विच पहुंचे ने।